जय गुरु। आज आचार्य देव परम पूज्य श्री श्री दादाजी के 89th शुभ जन्मदिवस के पावन अवसर पर उन्हें भक्तिपूर्ण प्रणाम। आचार्य देव की स्वास्थ्यपूर्ण दीर्घायु के लिए परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के प्राथमिक चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग शुभ 89th पुण्य आविर्भाव दिवस ऑफ आचार्य देव परम पूज्य श्री श्री दादा। चलिए आज उनके बारे में जानेंगे। परम प्रेम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आचार्य देव श्री श्री दादा के बारे में क्या बोले थे और परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा ने आचार्य देव के बारे में क्या बोले थे उसके बारे में जानेंगे। प्रधान आचार्य देव परम पूज्य श्री श्री दादा ने बंगला 4 कार्तिक 1340 21 अक्टूबर 1933 रात्रि 12:17 पर हिमायतपुर में जन्मग्रहण किए थे। यवन काल से ही वे संघ के समस्त कार्यकलाप पूर्ण रूप से संपादन करते थे। एक बार कथा प्रसंग में श्री श्री ठाकुर जी ने कहे थे, उस उम्र में चेहरा चलने फिरने में मैं जैसा था अशोक ठीक उसी प्रकार हुआ है। पार्वती काल में श्री श्री बड़दा ने भी श्री श्री दादा के प्रमुख से उनकी शैशव की कहानी सुनकर खुशी से कहा था, तुम्हारा चेहरा मेरा चेहरा एक ही है, तुम्हारा जाना देखकर लगता है मैं ही जा रहा हूँ। परम पूज्य श्री श्री बड़दा की इच्छा से वे सत्संग के प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर बनकर संघ के समस्त काम निष्ठा वो अध्यापय के साथ परिपालन करते रहे। अपने पितृदेव के पूर्ण सम्मति क्रम से ही वे किसी काम का सिद्धांत ग्रहण करते या काम को संपादित करते थे। परम पूज्य श्री श्री दादा के प्रीतिपूर्ण सेवा प्राण लोक कल्याणकारी जीवन को अवलोकन करके श्री श्री बड़दा ने आशीर्वाणी दी थी, बाबू जीवन की तृषा सदा मांगती आशा किरण, जीवन प्रदीप महामंत्र से वो आलोक जलाओ, अज्ञान अशांति और मूढ़ता को नाश करो, इष्टार्थ प्रतिष्ठा करो सर्वशक्ति द्वारा, व्यथापूर्ण हृदय के सारे दुख शोक तुम्हारे स्पर्श से मिट जाए, तुम जो हो अशोक। बाबा 24 फेब 1972 दयाल ठाकुर से संग्रहित। जय गुरु।